हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साकिब मेडिसिन। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त साकिब अली आज आपके लिए एक और मेडिसिन लेकर आया हूं जिसे हम जानते हैं लीवोलिन प्लस सिरप के नाम से। दोस्तों, मैं आपको इस सिरप की सारी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बेसिक क्या हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन है, इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिसिन को लेकर डाउट है या किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर भेजें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीवोलिन प्लस सिरप आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे जो कंपनी बनाती है वह है सिप्ला लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, इसकी बेसिक बातें जाने तो यह 100 ml का एक सिरप होता है जिसकी MRP 101 रुपये होती है। दोस्तों, अब जानते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर 3 सॉल्ट होते हैं। पहला इसका साल्ट है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है इसमें लीवोसल्बुटामोल, और तीसरा है इसमें ग्वाइफेनाइसिन। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये सिरप बलगम वाली खांसी को बहुत जल्दी सही कर देता है। इसके अलावा अगर किसी को खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बलगम को ये सिरप एकदम पतला कर देता है जिससे बलगम आसानी से बाहर निकलता है हमारे फेफड़ों में से। दोस्तों, ये थे इसके बेनिफिट। अब जानेंगे इसे लेना कैसे है। तो दोस्तों, 2 से 8 साल के बच्चे इसे 3 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और 8 साल से 15 साल तक के बच्चे इसे 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और दोस्तों 15 से जो ऊपर हैं वो इसे 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपको जानकारी देते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए हैं। कृपया करके हमारी वीडियो को देख के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके ज़िम्मेदार आपको दोगे हम नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपके कहीं पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब जानेंगे इसे लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं वो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट लेडी बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। जो औरतें अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। किडनी पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। लीवर पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, लेने से पहले एक बार इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लीजिए, और इसे ओवरडोज में ना लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी लीवोलिन सिरप के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।